आपके सामने पेश है सिख वीर सिंह, पंजाब का जाना माना लड़ाका और उनके बेहतरीन निशानचियों में से एक। जनाब इसने हमारे फौजियों के साथ जंग की, इसने उन्हें मार डाला। तुमने ऐसा क्यों किया वीर सिंह? तेरे फौजियों ने रसूल नगर के निर्दोष लोगों पर जुल्म किया, मैंने सिर्फ उन्हें रोका है पीर मोहम्मद। और सुन, मुझे इस बात का कोई पछतावा नहीं, और इस काम के लिए अगर मेरी जान भी चली गई तो भी पीछे नहीं हटूंगा। यहां पर तुम्हारी जान लेनी है या नहीं, इसका फैसला हम करेंगे। तुम्हें जान से मारकर मैं तुम्हारा दर्द कम नहीं करना चाहता, और हां, तुम्हें जिंदा छोड़कर तुम जैसा दुश्मन भी पालने की मैं बेवकूफी नहीं करूंगा। लेकिन तुम्हारे लिए तो हमने कुछ और ही सोच के रखा है। बेटा गुलाम, मेरा बच्चा। इनसे मिलिए, आने वाले वक्त में लोग इन्हें शहंशाह गुलाम मोहम्मद के नाम से जानेंगे, शहंशाह गुलाम मोहम्मद चट्ठा। अब तुम ये सोच रहे होगे, ये छोटा बच्चा मुझे क्या सजा देगा? पता था मेरा गुलाम। हुकुम करे अब्बाजान, आज हम आपको बताते कि कैसे हम अपनी सल्तनत को हिंदुस्तान तक फैलाने के लायक। शाबाश बेटा गुलाम मोहम्मद, दिखा दो इस वीर सिंह को हमसे बगावत करने का अंजाम क्या होता है। आंखें नीचे कर वीर सिंह, तेरे सामने होने वाला शहंशाह खड़ा। आंखें नीचे कर। राम, वीर सिंह की आंखें सिर्फ वाहेगुरु के सामने झुकती हैं। तुमने हमारे फौज को डसा था, अब हमारे गुलाम का ये सांप तुम्हें सिखाएगा कि डसा कैसे जाता है। नहीं अब्बाजान, इसे डसने की जरूरत नहीं है, मेरा ये सांप इसे डसे बिना ही अपना कर्तव्य दिखा देगा। सुभान अल्लाह, दिन का आगाज तो खरा हुआ, अब अंजाम भी अच्छा होगा। तैयार हो जाओ मां सिंह, तुम्हारा बुरा वक्त शुरू हो चुका है।
वाहेगुरु। ध्यान में बाज दिखाई दिया, मतलब सच्चे पातशाह की कृपा होने वाली है। सत श्री अकाल बाबा जी, सरदार महासिंह जी आपसे मिलना चाहते हैं। एक वीर पुत्र दी आवाज जल सुनाई दे तोड़े महल में, कहिए कैसे आना हुआ? ताकतवर अफगानियों के पिट्ठू पीर मोहम्मद से जंग का बिगुल गूंजने को है बाबा जी, ऐसे में मेरे पैर न ढकमगाएं, इसीलिए मैं चाहता था कि अपनी सिख धर्म से, अपने सिख विरासत से कुछ ऐसा ज्ञान हासिल कर लूं जो इस जंग में मेरी ताकत बन सके। सब भूल कर सीधे गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज का ध्यान लगा, उन सारे वचनों को याद कर पुत्र जो हमारे गुरु साहिबान ने दिए, गुरबानी की आवाज में डूब जा, तुझे तेरे सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। सतनाम। जवाब मिल गया पापा जी, हल मिल गया। एक बात याद रख, गुरु गोविंद सिंह जी ने अकेले एक एक खालसा में 1.25 लाख दुश्मनों से लड़ने का जज्बा पैदा किया था। रेतीला तूफान साथ लाने वाले पीर मोहम्मद को दिखा दे, रेत जितनी भी ऊंची उड़े उसे गिरना जमीन पर ही पड़ता है। जा पुत्र, युद्ध लड़ और जीत के आ। वाहेगुरु जी का खालसा। ते वाहेगुरु जी की फतेह। पीर मोहम्मद से बगावत दा मतलब है मौत, दर्दनाक मौत। मूरख है महासिंह। सरदार जी, मेरे प्राजी के लिए ऐसे शब्द मत बोलिए। तेरी अखा विच रह रहकर तेरे प्रा महासिंह दी इज्जत दिखाई देती है, पर मेरा खौफ नहीं, मैं तेरी अखा विच अपने लिए खौफ देखना चाहता हूं रूप करे, ताकि अगली बारी तू अपने प्रा दी तारीफ करन तू पहले लख वारी सोचे। आगे कितना मेरे प्रा जी ने दिया तोहफा, मेरी अंगूठी। पहले तोहफा मेरी तरफ दो। कैसा लगा मेरा तोहफा रूप करे? हाँ दस। एक गल याद रखी, साहिब सिंह मारता नहीं, दर्द देता है, गहरा दर्द। जाए
जंग बहुत जरूरी है। इसका परिणाम हर उस लुटेरी ताकत को संदेशा होगा जो हिंदुस्तान के अलग अलग कोने पर हमला करने का सपना बुन रहे हैं। वाहेगुरु जी से अरदास करना कि हम सबकी जीत हो। वाजिब, अगर सबके लिए अरदास करूंगी तो शायद ऊपर वाला भी चक्कर खा जाए कि अरदास आखिर है किसके लिए। और फिर अगर अरदास ही करनी है तो मैं सिर्फ आप जीते लिए करांगी, और सिर्फ आपकी जीत के लिए नहीं बल्कि आपकी महिमा के लिए, आपकी गुणगान के लिए। भाई गुरु करे सिर्फ तुम्हारी तारीफ और किसी दीवी ने। ओए अरदास में तो सोच छोटी ना रख। ना जी, सोच छोटी नहीं है बल्कि करारी है, साफ है। कोई ना, और मैंने ही कुछ ज्यादा उम्मीद लगा ली थी। तू अपना ध्यान रख। अपनी पत्नी को इस तरह छोड़कर जाना अन्याय है, मैं जानता हूं, पर अपने रिश्तों की बेड़ियां बांधने के लिए मैं धर्म की बेड़ियों को नहीं तोड़ सकता। कौरे, तो उड़नी भी नहीं चाहिए। और हम हैं क्योंकि क्योंकि आप हैं। ये जंग आप अपने लिए नहीं, हम सब दे वास्ते लड़ने जा रहे हैं। पूरे पंजाब दे वास्ते, पूरे हिंदुस्तान दे वास्ते लड़ने जा रहे हैं। तुम्हारी पत्नी तुम्हारी कमजोरी नहीं, आज तुम्हारी ताकत बनना चाहती है। तेरा ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा राजकोरे। ना जी, ना, धर्म एहसान नहीं कहते। हम भूल नहीं सकते कि कितनी छोटी उम्र में आपने अपने पिताजी को खोया था, उसके बाद खुद अपने बल पर हौसला करके एक छोटे से इलाके में इतनी बड़ी रियासत बनाई। आज वक्त आ गया है कि सरदार महा सिंह सिर्फ सुखरचा क्या रियासत नहीं, पूरे पंजाब दे मान और गौरव की रक्षा करे। जो बिड़ा उठाया है उसे निभाइए, एक पति नहीं सरदार महा सिंह बनकर जाइए। वापस लौट कर नहीं आया तो मेरे पुत्र को यह जरूर बताना कि अपने देश, अपने हिंदुस्तान के लिए शहीद होना अंत नहीं, एक पड़ाव है, महानता का पड़ाव। तुसी घबराओ ना, तुआड़ा पुत्र तुआड़े दिखाए रास्ते पर ही चलेगा। और अगर वाहेगुरु दी मेहर रही ना, तो आप खुद उसकी उंगली पकड़कर उसे ये रास्ता दिखाएंगे। बोली Thank you.
से पहले समझौते का प्रस्ताव दिया जाता है महा। पीर मोहम्मद इसलिए आगे पढ़ रहा है। मैं जानता हूं प्रभा, मैं जानता हूं। चल आतिश, आज तुझे तेरे दुश्मन से मिला दूं। सिंह, ये मेरी फौज देख रहे हो? ये तुम्हें और तुम्हारी सेना को कुचल देने के लिए तैयार है। ये मेरे हमलावर अब जाकर सीधा गुजरांवाला राजमहल में रुकेंगे जश्न के लिए। लेकिन तुम्हारा दर्द और तुम्हारा नुकसान दोनों कम हो सकता है समझौते से। थम जा पीर मोहम्मद, थम जा। तेरे साथ में मैं केवल एक ही समझौता चाहता हूं कि अगर तेरी तलवार मुझ तक पहुंची तो जान जाने तक वार करते रहना, और अगर मेरी तलवार तेरे कवच को छेद गई तो मरने से पहले एक बार वाहेगुरु को जरूर याद कर लेना। माफी जरूर मांग लेना पीर मोहम्मद। अरे माफी तो कमजोर मांगते हैं। पीर मोहम्मद वो इंसान है जो रेतीली तूफान की तरह आता है और उसके रास्ते में आने वाले हर चीज, हर पसंदे को अपने चपेट में ले लेता है। रेत कितनी भी हवा में उड़ जाए आकर जमीन पर ही गिरती है पीर मोहम्मद। ये तुम्हारी अशरफी है ना, लेकिन अब ये मेरे कब्जे में। रसूल नगर वालों से छीनी थी मैंने, और अब इसी तरह मैं तुमसे गुजराव वाला छीनूंगा। तो ठीक है पीर मोहम्मद, अब बातें जुबान से नहीं हथियार से होंगी।